आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, राष्ट्रपति भवन जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति भवन में डिनर में होंगे शामिल। बड़ी खबर सामने आ रही है, 30 अप्रैल को कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति भवन जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति भवन में डिनर में होंगे शामिल। 30 अप्रैल को कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी दिल्ली पहुंचेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे और राष्ट्रपति भवन में डिनर भी करेंगे। बता दें कि 30 अप्रैल को दिल्ली में ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होगी और 6 साल बाद ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, तो काफी अहम माना जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। शाम 6:30 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे। 6 साल बाद ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका आयोजन किया जा रहा है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति भवन में डिनर भी करेंगे। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना कार्यकाल संभाला है और उसके बाद अब ये दूसरा दिल्ली का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे और अहम कार्यक्रम है उसमें शामिल भी होंगे सीएम। तो यूं तो अपना दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद सीएम लगातार दिल्ली के प्रदेश के अलग अलग दौरे पर हैं और दूसरी बार अब दिल्ली के दौरे पर भी जा रहे हैं जहां राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, रात्रि भोज में शामिल भी होंगे सीएम। तो काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि सीएम राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे, उनके साथ राष्ट्रपति भवन में डिनर भी करेंगे। 30 अप्रैल को दिल्ली में ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होनी है और 6 साल बाद ही ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर और जब वो 6:30 बजे पहुंचेंगे तो उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा? ठीक है, अभी तक फिलहाल जो जानकारी के मुताबिक सीएम योगी हमारे पास जा रहे हैं और बराबर 6:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और उनके साथ माना जा सकता है कि दोनों मुख्यमंत्री भी इस बैठक में जा सकते हैं। हालांकि अगर ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस है उसमें केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही शामिल होंगे, साथ साथ इसके अलावा जो उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर लामी वो भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो भी आज राष्ट्रपति भवन जाएंगे, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज में सम्मिलित भी होंगे। और साथ ही साथ कल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है, 6 साल बाद कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है और निश्चित रूप से इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे और जिस तरह से कोरोना भी आ रहा है सामने, 2024 चुनाव भी है और इसके साथ ही साथ जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर भी तमाम बयानबाजी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं कि जो भाजपा सांसद राज्य वहां पर हमें बेड कम किया हुआ है, पर जो अन्य सरकार के जो अन्य पार्टी के सांसद राज्य है वहां पर बेड कम करना चाहिए, तमाम ऐसे मुद्दे उस पर कॉन्फ्रेंस होगी और निश्चित रूप से आज योगी नेता पहुंचेंगे वहां पर राष्ट्रपति सम्मेलन होंगे। उनके साथ साथ उत्तरधामी भी आज उत्तराखंड से दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी गौरव, 6 साल बाद ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, कौन कौन से मुद्दे इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाए जा सकते हैं और किसे किसे इस कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रित किया गया है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के यहाँ बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दा है वो मुद्दा महत्वपूर्ण इसलिए है कि कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना पर भी रणनीति बनानी है और साथ ही साथ आगामी जो चुनाव है वो भी चर्चा हो रही है और साथ ही साथ जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को कैसे काबू किया जा सकता है वो भी कॉन्फ्रेंस का चर्चा का मुद्दा रहेगा। उसके साथ ही साथ चूंकि राष्ट्रपति भवन भी योगी आदित्यनाथ वहां पर जाएंगे रात्रि भोज समिति के, राष्ट्रपति कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है और जो जुलाई में कार्यकाल खत्म होने वाला है और नए राष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया होने लगी बाकी है, तो निश्चित रूप से अब राष्ट्रपति के द्वारा जो भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो उनको एक निमंत्रण होता है, एक औपचारिक निमंत्रण पत्र होता है कि आप आइए और हमारे पूर्व समय तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति के कार्यकाल को खत्म होने वाला है तो यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री जाएंगे वो निश्चित रूप से राष्ट्रपति भवन में जाकर रात्रि भोजन समृद्ध या जो आपका अपराह भोजन है उसमें समृद्ध नजर आएंगे।
जी सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरे कार्यकाल में ये दूसरा दौरा है, काफी अहम माना जा रहा है, क्या वो संगठन के कई बड़े मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं? मुख्य रूप से बातचीत तो वहाँ पर होगी, जेपी नड्डा ही वहाँ मौजूद होंगे, इसके अलावा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अहम इसलिए दौरा है क्योंकि सरकार का परिणाम आएगा, आपका चुनाव परिणाम आएगा, आने के बाद लगातार ये बताया जा रहा था कि गहन चर्चा हुई थी, चर्चा के बाद मंत्रियों के नाम तय हुए थे, मंत्री के नाम तय हुए थे, तमाम जो बातें थी वो स्पष्ट हो गई थी क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के अलग अपनी व्यवस्था है। और साथ ही साथ माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आने वाले समय में समय जो संसदीय समिति बैठक है उसमें भी बड़ी जिम्मेदारी दी सकती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर उसके दौरे अहम है और जो ये दौरा है ये भी अहम माना जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े हुए थे। तो सीएम योगी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन में डिनर होगा जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। साथ ही साथ 30 अप्रैल को कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कि 6 साल बाद आयोजित हो रही है, उसमें शामिल होने सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम ही दिल्ली पहुंचेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। देश में लाउड स्पीकर विवाद लगातार हाईलाइट हो रहा है। इसी लाउड स्पीकर पर अब प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सैकड़ों सालों से देश की गंगा जमुनी तहजीब में भजन कीर्तन अजान और गुरुवाणी के स्वर सह अस्तित्व के साथ गूंजते रहे हैं। आगे उन्होंने अपने ट्वीट में सवाल पूछा कि अचानक शुरू हुए इस फसाद की जड़ कौन है। तो एक अहम और बड़ा सवाल पूछा है क्योंकि आपको बता दें कि जो ये लाउड स्पीकर का विवाद था कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। एक विवादित बयान के बाद पूरे देश में लाउड स्पीकर का विवाद शुरू हो गया। अजान के जवाब में लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। और अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अवैध रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर थे तो उनको उतरवा दिया गया है। जो वैध थे उनकी जो आवाज थी उसको कम करवाया गया है। एक बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन जिस तरह से अभी भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, इस पर शिवपाल का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने अपने ट्वीट में सवाल पूछा है कि अचानक शुरू हुए इस फसाद की जड़ कौन है। आपको बता दें कि अपने ट्वीट में शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर लिखा कि सैकड़ों सालों से देश की गंगा जमुनी तहजीब में भजन कीर्तन अजान और गुरुवाणी के स्वर सह अस्तित्व के साथ गूंजते रहे हैं। सभी धर्मों के स्वर गूंजने की बात कही है। सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की गई है। सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक करके जो वैद्य है उन्हें मानक के अनुसार बजाने की अनुमति दी गई है और उनकी आवाज से परिसर में रहेगी, परिसर से बाहर नहीं रहेगी। और जो वैद्य नहीं थे उनको उतरवा दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लगातार लाउड स्पीकर का जो विवाद है वो देश में देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई लेकिन देश के कोने कोने में पहुंच गया है, क्या कहेंगे इस पे? जी शिखा, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मन से, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लाउड स्पीकर पर सवाल उठाने के बाद देश भर में लाउड स्पीकर का मुद्दा कहीं ना कहीं देखने को मिला। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कोर्ट के आदेश के बाद कहा गया कि लाउडस्पीकर के जो आवाज होंगे उसको धीमा किया जाएगा। वहीं आपको बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई कि अवैध तरीके से जो लाउडस्पीकर चलाए जा रहे हैं जिससे आम जनमानस को परेशानी हो रही है उसमें कमी करते हुए उनकी आवाज को डेसिमल जो होता है उसमें कमी की जाए। और वहीं आपको बताया कि प्रदेश भर में तमाम हजारों की संख्या में लाउडस्पीकर उतारे गए। और वहीं अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे जगहों पर लाउड स्पीकर के आवाज धीमे किए गए। वहीं आपको बताया मानकों के आधार पर जो लाउड स्पीकर की आवाज है उसको धीमा कराया जा रहा है। उसी क्रम में आज बसपा प्रमुख और समाजवादी पार्टी से विधायक शिवपाल सिंह यादव की तरफ से सवाल उठाया गया जिसमें कहा गया है कि लाउड स्पीकर जो है वो सदियों से है, इसका आविष्कार जो है वो सालों पहले हुआ था और इसका उपयोग सालों से हो रहा है। और गंगा जमुना तहजीब के तहत आप देख सकते हैं कि हर एक जगह पे इबादत स्थल पे लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है। और वहीं उन्होंने बताया कि चाहे भजन कीर्तन हो या अजान हो चाहे गुरुवाणी हो,
हर एक जगह पे लाउड स्पीकर के माध्यम से वातावरण को शुद्धिकरण किया जाता है, जिसमें तमाम जो श्रोता होते हैं मंदिर के बाहर भी सुनते हैं, मस्जिद के बाहर से भी अजान को सुनते हैं और गुरुवाणी को गुरुद्वारा के बाहर से भी सुना जाता है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर ये लाउड स्पीकर विवाद का अगर देखा जाए तो अचानक से ये शुरू हुआ है, इस फसाद की जड़ कौन है। तो शिवपाल यादव की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर का जो विवाद है वो किसकी तरफ से शुरू कर रहा है, जब सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि लाउड स्पीकर से जो पूजा पद्धति है उसको तमाम लोगों को सुनाने का, तो ऐसे जो फसाद है इसको पैदा कौन कर रहा है। जैसे कहा जी लाउड स्पीकर को लेके यानी राजनीति शुरू हो गई विभांशु, और जिस तरह से सवाल पूछा गया है कि आखिर इस फसाद की जड़ कौन है, तो ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, तो क्या महाराष्ट्र सरकार पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे शिवपाल जी? अभी ये साफ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव की तरफ से क्वेश्चन मार्क लगाकर ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है कि महाराष्ट्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, मगर उनका साफ तौर पे कहना है कि जब सालों से ये परंपरा चली आ रही है इबादत और पूजा के समय लाउड स्पीकर से जब जो श्रोता होते उन्हें सुनाने का काम किया जा रहा था, तो इसी क्रम में इस समय ऐसे क्या माहौल आ गया है कि अब लाउड स्पीकर को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि लाउड स्पीकर को सालों से जो परंपरा है वो चलती आ रही है, तो आखिर अब दिक्कत क्या आ रही है। में जिस तरह से लाउड स्पीकर का विवाद उठ रहा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने जिस तरह से इस पे काबू पाया है, सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर अब अवैध लाउड स्पीकरों को हटाया गया और अवैध की आवाज कम करी गई है, शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही की जा रही है, किस तरह से देखते से? जी बेशक, अगर देखे तो उत्तर प्रदेश के अंदर में हर एक मजहब के जो इबादत के स्थल है, जो पूजा के स्थल है, उन सब जगहों से न्यूट्रल तरीके से लाउड स्पीकर को उतारने का काम किया गया है। वहीं आपको बताएं कि जो लाउड स्पीकर ऐसे तमाम जगहों पे, कुछ जगहों पे रखे भी गए हैं, वहीं आपको बताएं कि प्रदेश भर में 6000 लाउड स्पीकरों की जो ध्वनि है उसको कम की गई है, जिससे आसपास के लोगों को दिक्कत ना हो सके जी। वहीं शिखा आप देख सकती है कि विगत सालों में तमाम लोग लाउड स्पीकर को लेकर, चाहे मंदिर हो या मस्जिद या गुरुद्वारा, उसके जो लाउड स्पीकर होते हैं उसका सवाल उठाते रहे। चाहे बात की जाए विगत कुछ सालों पहले सोनू निगम की तरफ से कहा गया था बोर्ड एग्जाम के समय कि अगर लाउड स्पीकर ऐसे चलते रहे तो बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत होगी, विधान आएंगे। इसमें आप देखती है कि तमाम ऐसे पूजा अर्चना के समय घंटों तक लाउड स्पीकर चलाया जाता है, तो उसी क्रम में अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे लोग इसके पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है, मगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस प्रशासन सरकार के एवं कोर्ट के आदेश के बाद जो धर्म गुरु हैं उनसे संवाद के बाद लाउड स्पीकर को उतारने का काम किया। साथ ही साथ जो ध्वनि की बात है तो उसको आवाज को ध्वनि को कम करने की भी सलाह दी गई, जिसको सभी धर्मों के जो पुजारी हैं या मौलवी हैं उनको माना, उन्होंने माना। वही आज अगर देखें तो अलविदा की जो जुमे की अलविदा होती है आखिरी नवाज वो देश भर में अदा की गई, तो वही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर आज के जो अलविदा की नवाज थी उसमें जो मानक के आधार पर जो निर्धारित है उसको पालन करते हुए लाउड स्पीकर की ध्वनि रखी गई। और वही अगर बात करें धर्म जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता था विभांशु मणि त्रिपाठी, जुड़े थे लखनऊ से। रुक करते अगली खबर की तरफ। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुखिया अखिलेश यादव पर एक बार फिर से हमला किया है। मायावती ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि जो खुद सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके हैं तो वो दूसरों का पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। बता दें बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर लिखा कि सपा मुखिया यूपी में मुस्लिम और यादव समाज का पूरा वोट लेकर कई कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके हैं तो फिर वो दूसरे का पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव में बीएसपी ने गठबंधन करके भी यहां खुद 5 सीटें ही जीत पाए हैं तो फिर वो बीएसपी के मुखिया को कैसे पीएम बना पाएंगे। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विभांशु, अब बसपा सुप्रीमो का भी एक ट्वीट सामने आया जिसमें वो सपा मुखिया पे हमला बोलती हुई नजर आ रही है, किस तरह से देखते हैं इसे? जिससे अगर बात करें तो अखिलेश यादव एक स्टार पार्टी में गए थे जहां पत्रकारों के द्वारा पूछा गया कि
मायावती को क्या आप प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी आकांक्षा के बारे में पूछा गया कि उनकी आकांक्षा कि वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में जो हमने गठबंधन किया था उस गठबंधन का साफ संदेश था कि हम एक प्रधानमंत्री के तौर पर सुश्री मायावती को पेश कर रहे थे, मगर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं तो उनकी जो सोच है, जो उनकी आकांक्षाएं हैं कि एक दलित प्रधानमंत्री बने, तो उनकी तरफ से पैरवी की गई। तो इसी बयान पे सपा बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आया, उन्होंने साफ तौर पे अखिलेश यादव को निशाना साधते हुए कहा कि जो व्यक्ति अगर 5 सीटों पर सिमट गया वो कैसे किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी को उन्होंने कहा कि मुसलमान एवं यादवों के तमाम वोट मिले, मगर वो खुद सीएम नहीं बन सके तो वो दूसरों को पीएम क्या बनाएंगे। वहीं उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर बात करें तो आज अखिलेश यादव उन सिद्धांतों की बात करते हैं मगर वो सिद्धांत बस खोखले हैं, और उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसे बचकाने जो जवाब दिए जा रहे हैं इनसे कहीं ना कहीं बचते दिखे और स्वयं के बारे में सोचे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे लखनऊ से। तो सीधे तौर पर मायावती ने सपा मुखिया पर तंज कसा है और तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सपा मुखिया को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। यूपी में माफियाओं के आशियानों पर लगातार बाबा का बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन बलिया में गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। प्रशासन के इस एक्शन के बाद बीजेपी विधायक केतकी सिंह खासा नाराज दिखाई दी हैं और तहसीलदार को जमकर लताड़ लगाई। वहीं विधायक केतकी सिंह के कल के इस वीडियो में तहसीलदार को फटकार के बाद अब डॉक्टर की क्लास लगाई गई है। बच्ची की मौत के बाद विधायिका केतकी सिंह ने डॉक्टर को फटकारा और बता दें कि सीएचसी रेवती पर एंटी स्नैक वेनम वैक्सीन ना लगाने से बच्ची की मौत हुई थी और इस मामले में काफी नाराज भी नजर आई है विधायिका। तो एक्शन मोड में विधायिका नजर आ रही हैं, जहां कल उन्होंने लताड़ लगाई थी उन लोगों को जिन्होंने एक गरीब के घर पर बुलडोजर चलाया, तो वहीं आज डॉक्टर को भी फटकार लगाती हुई नजर आ रही हैं। और अब वायरल हो रहा है विधायिका का ये वीडियो, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो नाराज हो रही हैं। हड़िया कला एक गांव पड़ता है हमारी विधानसभा में, वहाँ 9 साल की बच्ची को सांप काट दिया ऐसे उसके परिवार वाले कह रहे, और उनका ये भी मानना था और आपके मीडिया के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी मुझे ये संज्ञान में आया कि वो हॉस्पिटल गए और उनको फर्स्ट एड भी वहाँ पे नहीं दिया गया डॉक्टरों द्वारा, और उसको वैसे रेफ़र कर दिया गया बच्ची को, जिससे उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। हमारी सरकार बच्चियों के प्रति तो बहुत संवेदनशील है ही, उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा हम स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं कि हम उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य को कैसे और सुधारा जाए। ये बहुत ही बड़ी लापरवाही हुई थी चिकित्सकों द्वारा जो उस समय होंगे, और ये बिल्कुल भी हमारे क्षेत्र में, तो मेरे क्षेत्र में विशेषकर, मैं इसके बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। हर जान का एक मोल है। बिना किसी नोटिस के वहाँ पे कुछ अधिकारी पहुँच गए बुलडोज़र लेकर और उसके घर को बुलडोज़र चला दिया उसके घर के ऊपर, जिसमें कुछ उसका हिस्सा टूट गया। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ यह कहना है कि किसी भी गरीब के घर पर या उसके किसी रोजी रोटी पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं जब तक आपके पास कोई उचित कारण ना हो। उचित कारण भी हो तो भी आप गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते, बस यही मामला। और अब डॉक्टर को लताड़ती हुई नजर आ रही है विधायिका। आपको बता दें कि बीते दिन बलिया में एक गरीब के घर पर बुलडोजर चलाया गया, पीड़ितों द्वारा बताया गया था कि बिना नोटिस के ही बुलडोजर चलाया गया है। तो वहीं डॉक्टर पर भी अपने नाराजगी निकालती हुई नजर आई, क्योंकि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची की मौत के बाद विधायिका केतकी सिंह ने डॉक्टरों को फटकारा। बता दें सीएचसी रेवती पर एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन ना लगाने से बच्ची की मौत हुई थी, जिसके बाद वो खासा नाराज नजर आई। विधायक केतकी का भी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। वो चाहे डॉक्टरों द्वारा
लापरवाही हो या फिर तहसील द्वारा मनमानी करने का मामला हो, सख्त नजर आ रही है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गरीब के घर को ढा दिया गया है, बिना नोटिस के ही ढाया गया, जिसके बाद उन्होंने तहसीलदार को काफी फटकारा भी था। और आज एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो डॉक्टरों के ऊपर नाराज नजर आ रही हैं, क्योंकि एक सांप ने बच्ची को काट लिया था और जब उसे सीएचसी में लेके गए, सीएचसी में भर्ती कराने, तो वहां पे एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन नहीं लगाई गई और ऐसे ही उसे रेफर कर दिया गया दूसरे अस्पताल, जहां रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। एक्शन मोड में केतकी सिंह नजर आ रही हैं, तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप दूसरी तस्वीरों किस तरह से डॉक्टर को फटकार लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है ये। और पहली तस्वीर आप देख सकते हैं अधिकारियों की मनमानी, जहां सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया है कि गरीबों के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, तो विधायक ने भी यही बात कही है कि अगर कोई गरीब भी है तो उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, पूरी जांच के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो पीड़ित हैं उन्होंने बताया था कि उनको इस चीज का नोटिस भी नहीं दिया गया, सीधे तौर पे बुलडोजर चला दिया गया, उनके घर को जमींदोज़ कर दिया गया, उनके सर से छत छीन ली गई। तो एक्शन मोड में विधायक केतकी सिंह नजर आ रही हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से गरीबों का घर गिराया गया है, उसके बाद वो रोते बिलखते हुए नजर आए। विधायक ने इसका संज्ञान भी लिया और तहसीलदार को लताड़ा भी। और आज एक और मामला सामने आया है जहां पे बच्ची की मौत के बाद वो काफी नाराज नजर आई है। उन्होंने सीधे तौर पे बयान देते हुए कहा कि हमारी सरकार बच्चियों के प्रति काफी जागरूक है और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही देखने को मिली है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग को और अच्छा बनाया जाए, जितनी कमियां उनको दूर करा जाए, लेकिन इस तरह की जो कमियां हैं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए बलिया से संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, विधायक केतकी जिस तरह सेक्शन मोड में नजर आ रही है, बीते दिन भी उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर करी थी गरीबों के घर पे बुलडोजर चलने के बाद, और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी सवाल उठे हैं जिस तरह से बच्ची की मौत हो गई है, उनको भी फटकारती हुई नजर आई है, किस तरह से देखते हैं सेक्शन मोड को? जी आपको बता दें, जिस तरह का विधायक केतकी सिंह का एक फायर ब्रांड बीजेपी के नेता माना जाता है और एक कहीं ना कहीं जमीनी रूप से वो कार्य करती है, जिस तरह महिलाओं के लिए एक प्रेम स्नेह और एक तरह का कार्य रहा, जिस तरह की उन्होंने सीधे तौर पे फटकार लगाई और कहा कि मेरे क्षेत्र में ऐसी कोई भी गलत कार्य बर्दाश्त नहीं होगा, और कहीं जिस तरह का योगी सरकार के हर तरह से दवा हर चीज उपलब्ध होने के बाद भी फर्स्ट एड चिकित्सा द्वारा नहीं किया गया, कहीं ना कहीं ये कमियां साफ जाहिर न जाइए जिससे उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाती नजर आई। जी फटकार तो लगाई है, लेकिन एक्शन क्या लिया गया है? जिस तरह से कल बुलडोजर चला गया एक गरीब के घर पे, तो उन लोगों के ऊपर क्या एक्शन लिया है, और आज डॉक्टर को जिस तरह से नाराज होती नजर आई डॉक्टर पे, क्या एक्शन लिया गया? जी आपको बता दें, जिस तरह के तमाम जिला प्रशासन की तरफ से एक नोटिस जारी की गई कि वो अवैध सरकारी जमीन है, उसको 3-4 दिन से निर्माण कराया जा रहा था, उसको रोक बुलडोजर गिराने के लिए गई, लेकिन विधायक केतकी सिंह के जिला प्रशासन को बैकफुट पे नजर आए, जिला प्रशासन वहां से हटना पड़ा, क्योंकि केतकी सिंह का जो बयान रहा ये रहा कि गरीब पे बुलडोजर नहीं चलेगा, जिसके बुलडोजर जैसे ही गिरा उनको जानकारी हुआ वो तुरंत वहां पहुंच गई अपने समर्थकों के साथ, वहां बुलडोजर और तहसीलदार को पीछे लौटना पड़ा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अखिलेश जुड़े थे बलिया से। तो बलिया से ये खबर सामने आ रही है जहां पे सक्रिय नजर आ रही है विधायिका और एक्शन मोड में भी नजर आ रही हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी,
सच साहस सरोकार।